दिल्ली सहित इन शहरों में पठान के टिकट के दाम है सबसे कम। धड़ाधड़ हुई बुकिंग। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर दमदार वापसी कर चुके हैं। उनकी स्पाई थ्रिलर फिल्म पठान को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप पठान देखना चाहते हैं तो दिल्ली सहित इन शहरों में टिकट के दाम बिल्कुल कम है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे हुआ था। किंग खान की फिल्म के एडवांस बुकिंग ने भी बॉलीवुड फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म रिलीज से एक दिन पहले ही शाहरुख खान दीपिका की फिल्म 21 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। शाहरुख खान की फिल्म पठान का प्राइस 2100 सबसे हाईएस्ट है। अगर आप शाहरुख खान के फैंस हैं और टिकट के दाम देखकर थिएटर में इस फिल्म का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सहित कई शहरों में टिकट के दाम एकदम कम है। शाहरुख खान ने पठान के साथ 4 साल बाद बिग स्क्रीन पर अपनी वापसी की है। उन्होंने और मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनके फैंस अगर उनकी इस एक्शन से भरपूर फिल्म देखना चाहे तो उन्हें निराशा हाथ ना लगे। दिल्ली सहित कई शहर ऐसे हैं जहां पठान की 2D की टिकट बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है और आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को बिना किसी हिचकिचाहट के थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां के अंबा थिएटर घंटाघर में आप सिर्फ 75 रुपए में इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म कोई मोई कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो करोल बाग के लिबर्टी थिएटर में शाहरुख खान के फिल्म पठान के 2D और नॉन आईमैक्स के दाम महज 85 रुपए हैं। भोपाल में भी पठान के सिंगल स्क्रीन के टिकट के दाम बिल्कुल आपके बजट में है। वहाँ के भारत सिंप्लेक्स में शाम के शोज के दिन के शो के टिकट के प्राइस 150 से लेकर 70 रुपए तक है। इसके अलावा वहाँ के फेमस सिंगल स्क्रीन थिएटर अल्फाना सिनेप्लेक्स में भी शाम को शो का टिकट महज 70 रुपए है। आपको बता दें कि रायपुर में पहले ही दिन पठान की 400 टिकट बुक कराए गए हैं, तो वहीं एडवांस बुकिंग में फिल्म की पहले से ही 5 लाख के करीब टिकट बिक चुकी है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान दीपिका की पठान बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 30 से 35 करोड़ का बिजनेस करेगी।